आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार, मैं हूं पल्लवी। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर शानदार तेजी आज मार्केट्स में देखने को मिल रही है और खासतौर पर सर लीड कर रहे हैं मिड कैप्स। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही 1% ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 836 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में भी 208 अंकों का इजाफा फिलहाल देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो लगभग 150 अंकों का इजाफा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 126 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी है। इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मेटल पैक भी अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखने को मिली है। मेटल इंडेक्स ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। खासतौर पर इसमें हिंडाल्को ऑलमोस्ट 6% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। नैल्को यहां पर भी 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 5.5% से ऊपर की मजबूती यहां पर देखने को मिली है। भूषण स्टील 4.5%, कोल इंडिया, टाटा स्टील, वेल्समैन कॉर्प, एनएमडीसी जैसे कुछ काउंटर्स यहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एक बार मिड कैप्स का हाल भी ले लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। मिड कैप्स में सबसे ज्यादा तेजी जिन स्टॉक्स में है उसमें 3MI इंडिया, इसके अलावा नेशनल एल्यूमिनियम सेल, GTND, यूनियन बैंक, MRF जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पर अच्छी बढ़त बनी हुई है। इसके अलावा इंडियन बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, NBFC शेयरों में भी अच्छा रुझान है। खासतौर पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 3% से ऊपर का ट्रेंड यहां पर देखने को मिला है। इंट्राडे में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी 3% तक की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में कैनरा बैंक 3% की बढ़त के साथ फिलहाल 276 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, IDFC बैंक, अदानी पावर यहां पर भी 2-2.5% तक की मजबूती देखने को मिली। हालांकि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां मिड कैप्स में कमजोरी देखने को मिली। इसमें ABB है 3.5% की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिली है। क्रिसिल ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी यहां पर देखने को मिली है। ऑल इंडिया, ग्लैक्सो, बर्जर पेंट्स यहां पर भी 0.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा रुझान है उन पर भी नजर डाल लेते हैं आज के सेशन में। हिंडाल्को ऑलमोस्ट 6% मजबूत है। इसके अलावा ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज आज फाइनेंस स्टॉक्स में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ईडलवाइज फाइनेंस सर्विसेज में 5.5% की बढ़त देखने को मिली है। रेपको होम फाइनेंस यहां पर भी 5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा BML ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर है। एस्कॉट्स, इपका लैब्स खबर भी आई थी जिसके चलते ऑलमोस्ट 4% का मूव इपका लैब्स में देखने को मिल रहा है। दीवान हाउसिंग 4% की बढ़त के साथ 255 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा सरकारी कंपनियों की अगर बात करें तो REC यहां पर भी अच्छी बढ़त आज बनी हुई है। दीवान हाउसिंग 4% ऊपर है। येस बैंक ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर ग्रुप बी की कुछ मिड कैप्स की बात करें तो यहां पर उषा मार्टिन ऑलमोस्ट 17% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान मोटर्स 20% के अपर सर्किट पर आज ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम इंफ्रा यहां पर भी 20% का अपर सर्किट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कुछ मेटल स्टॉक्स की बात करें तो खासतौर पर छोटे मझौले मेटल काउंटर्स यहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिली है आज के सेशन में। वीजा स्टील ऑलमोस्ट 13.5% ऊपर है। इसके अलावा MSP स्टील एंड पावर यहां पर भी 16.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ और मेटल स्टॉक्स की बात करें तो एल्कली मेटल्स यहां पर 13% का मूव आज के सेशन में देखने को मिला है। एक बार कुछ ऑटो स्पेस के काउंटर्स देख लेते हैं। ऑटो एंसिली में जय भारत मारुति यहां पर आज के सेशन में ऑलमोस्ट 312 का स्तर देखने को मिल रहा है। 13% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में मानकसिया स्टील्स, उत्तम वैल्यू स्टील्स जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पर अच्छी बढ़त बनी हुई है। नेलकास्ट यहां पर भी 10.5% की बढ़त बनी हुई है। मानकसिया स्टील्स ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप भी किसी स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं, एक बार आपको तरीका बता दें। कुछ ही देर में हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे। आपको भी किसी शेयर पर सवाल पूछना है तो आप हमारे लैंडलाइन नंबर पर या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सवाल पर राय लेने के लिए आपको 1800-180-3545 पर कॉल करना होगा। साथ ही लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें 0120-425-8237। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जी बिजनेस के पेज पर जाना होगा, अपनी क्वेरी पोस्ट करनी होगी, आपका सवाल हम इस शो में शामिल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अपनी क्वेरी यानी कि स्टॉक का नाम, किस भाव पर आपने खरीदा है उसे लिखें और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। लेकिन अब बजट की बात करते हैं। बजट में इनकम टैक्स की दरों में कटौती हो सकती है। नीति आयोग ने सरकार को इनकम टैक्स छूट बढ़ाने के लिए टैक्स दरों में कमी करने का प्रस्ताव रखा है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया से जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत की, आइए सुनते हैं। जो इंडिकेशन गवर्नमेंट से आई है कि और जनरल कंसर्न भी है टैक्स बेस को लेके, इंडिया में 125 करोड़ के पॉपुलेशन में टैक्स बेस काफी कम है। 4 करोड़ लोग ही, 4.5 करोड़ लोग टैक्स फाइल रेट फाइल करते हैं और वो भी रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स एक्चुअली देने वाले कहीं बहुत और भी कम है। ये कितना इंपॉर्टेंट है टैक्स बेस को बढ़ाना और टैक्स रेट को रेशनलाइज करना? नहीं, इसमें तो हमारी तो ये सिफारिश रहेगी क्योंकि हम जो है टैक्स बेस को वाइडर से वाइडर बना सकें, क्योंकि असल में अगर आप टैक्स बेस नैरो होता है
तो फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बहुत हाई रेट्स पे आपको टैक्स लगाना पड़ता है, तो जो टैक्स देते हैं वो बहुत ज़्यादा देते हैं और फिर दूसरे जो हैं वो बिल्कुल नहीं देते हैं। तो ये एक इम्बैलेंस की बात है और इकोनॉमी के लिए, जनरल एफिशिएंसी के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें टैक्स बेस को ब्रॉड इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अभी भी टैक्स से एग्जम्प्टेड है और इंडिया के 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही हैं। किस तरह के रिकमेंडेशन नीति आयोग देती है इसको बढ़ाने के लिए, क्या किया जा सकता है? रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको एज एन इकोनॉमिस्ट बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे एक तो ये किया जा सकता है कि भाई आप जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है, अभी शायद हमारी 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है, उसको हम उतना ही रखें। तो वरना क्या होता है कि फिर आपका 2.5 लाख से आपने मान लीजिए 3 लाख या 4 लाख कर दी, तो जो लोग फिर 2.5 लाख और 4 लाख के बीच में वो टैक्स बेस के से निकल जाते हैं। तो जबकि अगर आप 2.5 लाख पे रखते हैं तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा तो उसके साथ जो है लोग 2.5 लाख तक पहुंचेंगे तो वो टैक्स बेस में इंक्लूड होना शुरू होंगे। आप ये कर सकते हैं रिलीफ देने के लिए कि भाई जो शुरू का टैक्स स्लैब है उसको लिबरली लो रखें। तो जैसे अभी मान लीजिए 10% है तो 10% या तो ये कर सकते हैं कि उसको 10% को कुछ घटाएं, या ये भी कर सकते हैं कि जो 10% की जो 2.5 लाख से मान लीजिए अभी कितना 6 लाख या जब तक 5 लाख अगर तक है तो उसको बढ़ा के आप 2.5 लाख से कह दें 7 लाख तक जो है हम 10% रखें, ताकि कम से कम जो बेस में तो लोग रहे ना टैक्स देने वाले में। सो उसको जो है वाइडन कर सकते हैं, जो सबसे लोएस्ट टैक्स वाला जो स्लैब है उसको वाइडन कर सकते हैं। फिर आगे जो हायर टैक्स रेट वाले हैं उसमें भी हम सोच सकते हैं कि भाई अगर टैक्स बेस वाइड हो जाता है तो हमारा टैक्स रेवेन्यू वाइडर टैक्स बेस के कारण बढ़ सकेगा, तो ऊपर से फिर हम जो टैक्स रेट्स को कुछ यूनिफाई कर सकते हैं, थोड़ी नीचे भी ला सकते हैं। या जो 3 टैक्स रेट्स हैं करेंटली, जो टॉप और मिडिल वाली जो टैक्स रेट है उनको भी मर्ज कर सकते हैं। सो कई पॉसिबिलिटीज हैं, अब ये तो क्या किया जाएगा बिल्कुल ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है। आप ये कर सकते हैं रिलीफ देने के लिए कि भाई जो शुरू का टैक्स स्लैब है उसको लिबरली लो रखें, जो 2.5 लाख से मान लीजिए अभी कितना 6 लाख या जब तक 5 लाख अगर तक है तो उसको बढ़ा के आप 2.5 लाख से कह दें 7 लाख तक जो है हम 10% रखें।